अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम तक हमने स्पेक्ट्रम को स्टार्ट किया हुआ था। हमने दो स्पेक्ट्रम की टाइप्स कही थी, एक होती है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एक होती है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को आगे मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया है। लाइन स्पेक्ट्रम के आगे मज़ीद दो पार्ट हैं, एक है हमारे पास एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम, एक है हमारे पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये दो चीज़ें हैं जिसको आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम, अगर आप किसी भी चीज़ का स्पेक्ट्रम बनाना चाहते हैं, सबसे पहली बात जो आपने कंडीशन याद रखनी है ना, किसी भी एलिमेंट का अगर स्पेक्ट्रम बनाना चाहते हैं, वो एलिमेंट आपके पास होना चाहिए गैसियस फॉर्म में। पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सही, आप जिस एलिमेंट का स्पेक्ट्रम बनाए, मैं कहता हूँ सपोज किया मैंने हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम बनाना है, उस हाइड्रोजन गैस को या उस एलिमेंट को आपने इस एक कंटेनर के अंदर बंद कर लेना है। ये पहले समझ लें, बाद में इसके बारे में सारी चीज़ें लिख भी लेंगे। पहले आपने क्या करना चाहिए, एक शीशे की बनी हुई जार लेना है, ये किसका बना होगा, ग्लास का, और ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हो जिसके अंदर से लाइट आसपास हो सकती हो, से मुकम्मल तौर पर लाइट आसपास हो सकती हो, उस ग्लास का बनाओ। अब यहाँ पे करना क्या है कि आपने जो सैंपल लेना है ना गैस का, वो इसके अंदर मौजूद होगा, इसके अंदर मौजूद होगा। अब आपने यहाँ से वाइट लाइट गुजारनी है। कौन सी लाइट गुजारनी है, वाइट लाइट। और याद रखिएगा, ये जो वाइट लाइट होती है इसमें हर तरह की वेवलेंथ होती है, और हमने कहा था जी जो इसके अंदर वेवलेंथ होती है वो 400 से लेके कहाँ तक हो सकती है, 750 नैनोमीटर तक। सही है, हमने यहां से गुजारी है वाइट लाइट, ITE वाइट लाइट गुजार रहे। अब वाइट लाइट के अंदर हर तरह की वेवलेंथ होगी, और हमने एक बात और भी कही है, जो एटम की एनर्जी होती है ना वो क्वांटाइज्ड होती है। वो क्या होती है, क्वांटाइज, कि एक एटम सिर्फ स्पेसिफिक अमाउंट की एनर्जी को जज़ब करेगा, उससे अलावा किसी एनर्जी को जज़ब नहीं करेगा। मैं कहता हूँ जी यहाँ मैंने ये जो वेवलेंथ गुजार रहा हूँ, एक है 5 वेवलेंथ वाली, एक है 7, 10, 15 और 17, ये वेवलेंथ वाली एनर्जी मैंने यहाँ से गुजारी है, सपोज की है। अब यहाँ से मैं अगर हाइड्रोजन एटम एक लेता हूँ ना, जो भी एटम मैंने लिया हुआ है, इस एटम को थोड़ा सा इलेबोरेट करूँ ना, थोड़ा सा कुछ इस तरह का है मेरे पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब क्या करेगा, जैसे मैं इसमें से लाइट पास करता हूँ, तो अगर इसकी एनर्जी यहाँ से डिफरेंस चेक कीजिएगा, यहाँ 5 जाउल 10 जाउल 15 जाउल, इस तरह कोई डिफरेंस है। अब यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए कितने जाउल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, 5 जाउल। तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 जाउल एनर्जी वाली वेवलेंथ को जज़ब करेगा। अगर यहाँ से इसे बाहर भी एक सेल होता, यहाँ पे भी, यहाँ तक जाने के लिए मैं कहता हूँ जी 20 जाउल एनर्जी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए कितनी वाली चाहिए, सही। क्योंकि अब देखें, मैंने एक एटम नहीं बंद किया हुआ, ये बात याद रखिएगा, लाखों के लिहाज से एटम होंगे, तो एक एटम की बात नहीं कर रहा। अब एक ने क्या किया, 5 जाउल वाली एनर्जी जज़ब की और यहाँ पर पहुँच गया। एक ने क्या किया, 10 जाउल वाली एनर्जी जज़ब की और यहाँ से यहाँ पहुँच गया। एक ने 15 वाली की, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब कौन कौन सी एनर्जी जज़ब हो गई, 5 वाली भी एनर्जी जज़ब हो जाएगी, 10 वाली भी और 15 वाली भी। कौन कौन सी बीच में से गुजर जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 17 वाली और 7 वाली, ये बाहर आ जाएंगी, ये वो एनर्जी होंगी जो के बाहर आ जाएंगी। सही, वैसे ये वाली जो हम पढ़ रहे हैं, ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सही है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, गौर करेंगे ना, तो कुछ वेवलेंथ यहाँ पे क्या हो गई हैं, जज़ब हो गई हैं, बाकी क्या होगी, वैसे की वैसे ही बाहर निकल आई हैं। बाकी जितनी भी वेवलेंथ हैं वो सारी की सारी इसमें से बाहर निकल आई हैं। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये होता है कि यहाँ पे जिस मशीन के ज़रिए से आप इस वेवलेंथ को डिटेक्ट करना होता है, इस लाइट को डिटेक्ट करना होता है, वो यहाँ पे लगाया होता है। तो ये मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट लिखूँगा जिससे हमने इसको डिटेक्ट करना है, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, आला, जिससे हमने ये वेवलेंथ डिटेक्ट करनी है। अब जैसे ही आप इसको देखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम आ रहा होगा, इस तरह का कुछ स्पेक्ट्रम आएगा जिसमें आपके पास वाइट और ब्लैक लाइनें नज़र आ रही होंगी, कुछ इस तरह की,
सही है। अब यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन करनी है, हमने इस स्पेक्ट्रम के थ्रू करनी है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के डेफिनेशन इस स्पेक्ट्रम के थ्रू करेंगे। और हमने कहा था कि ये जो दरमियान में बारीक सी चीज़ नज़र आती है इसको लाइन का नाम देते हैं, और ये जो बीच में वाला एरिया, इतना हिस्सा एरिया, इसको हम नाम देते थे बैंड का। इसको किसका नाम दे रहे थे? बैंड का। अब ये जो लाइनें किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि यहाँ पे एनर्जी जज़ब हुई है, यहाँ पे एनर्जी जज़ब हुई है, यहाँ पे एनर्जी, जो यहाँ पे एनर्जी जज़ब करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जहाँ पे एनर्जी जज़ब करेगा ना उतना हिस्सा काला हो जाएगा, बाकी वाइट रहेगा। उतना हिस्सा क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। बाकी आपकी लाइट, अगर सारी की सारी लाइट ये इसके अंदर से गुजर जाती है, एक वेवलेंथ भी एब्जॉर्ब नहीं करता, तो आपके पास जो स्पेक्ट्रम आना है ना वो बिल्कुल वाइट आएगा, बिल्कुल ब्राइट आएगा। अगर एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली तो एक ब्लैक लाइन, अगर दो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की तो दो ब्लैक लाइनें आ जाएंगी। सही है। और जो ब्लैक लाइनें हो रही होती है वो असल में बता रही होती है कि यहाँ से रोशनी जज़ब होगी है, यहाँ से रोशनी जज़ब होगी है। और यही बात मैंने यहाँ पर लिखनी है इसके स्पेक्ट्रम की, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन करूँगा। अब इसकी डेफिनेशन तो दो तरीक़ों से की जाती है। एक तरीकाकार यह है कि ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें एटम जो चीज़ एब्जॉर्ब करे, जो सब्सटेंस चीज़ एब्जॉर्ब करे, उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। द स्पेक्ट्रम विच इज फॉर्म बाय एब्जॉर्बिंग लाइट बाय अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और एक ऐसा होता है जिसमें, ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें डार्क लाइन सेपरेट कर रही होती हैं किसको? ब्राइट बैंड्स को। इस तरह के स्पेक्ट्रम को भी हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नाम दे रहे होते हैं। द स्पेक्ट्रम, द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की ऐसी किस्म जिसमें क्या हो, स्पेक्ट्रम इन विच, इन विच, जिसमें, इन विच डार्क लाइन, जिसमें ब्लैक या डार्क लाइन सेपरेट कर रही थी, डार्क लाइन्स सेपरेट, अलहदा कर रही होती हैं सेपरेट ब्राइट, ब्राइट बैंड, ब्राइट बैंड को सेपरेट कर रही होती है, इसको क्या कहेंगे? इज कॉल्ड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नाम दे रहे होते हैं। अब इसके बाद ना थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे ताकि चीज़ सारी की सारी वाजह हो जाए। हमने क्या किया जी, वाइट लाइट को गुजारा है सैंपल में से, सैंपल ने कुछ वेवलेंथ को अपने अंदर जज़ब कर लिया, बाकी वेवलेंथ इससे पास थ्रू हो गई, उसका हमने स्पेक्ट्रम बनाया। और हमारे पास स्पेक्ट्रम किस तरह का है इस चीज़ को थोड़ा सा लिखेंगे, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा ना यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगे, एलेबोरेट करने लगे। वैन, जब आपने पास करनी है, वैन वाइट लाइट इज़ पास थ्रू, वाइट लाइट, जब वाइट लाइट को पास करता है, लाइट इज़ पास थ्रू, पास्ट थ्रू, जब वाइट लाइट को गुजार दें, पास थ्रू द, किस में से गुजारना है? पास थ्रू द सैंपल, सैंपल ऑफ सब्सटेंस, जो भी चीज़ आपके पास जिसका स्पेक्ट्रम बनाना चाहते हैं ना उसमें से गुजार दें। द सब्सटेंस, जो चीज़ होगी, द सब्सटेंस एब्जॉर्ब, द सब्सटेंस एब्जॉर्ब, आपकी जो सब्सटेंस होगी वो जज़ब कर लेगी स्पेसिफिक वेवलेंथ, स्पेसिफिक या फिर डेफिनेट, या फिर डेफिनेट वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेसिफिक कर लें या डेफिनेट, डेफिनेट वेवलेंथ को क्या करेगी? जज़ब कर लेगी। और बाकी वेवलेंथ को क्या कर देगी? गो थ्रू या ट्रांसफर, ट्रांसफर कह सकते हैं। सही है। अदर वेवलेंथ, अदर वेवलेंथ, और बाकी जो वेवलेंथ होंगी वो क्या होंगे? ट्रांसफर थ्रू द, ट्रांसफर, ये गुजर जाएंगे, ट्रांसफर थ्रू द, थ्रू द सैंपल, सैंपल वैसे गुजर जाएंगी, एंड अ स्पेक्ट्रम इज फॉर्म, एंड अ स्पेक्ट्रम, और एक स्पेक्ट्रम बन जाता है, जिसमें खास बात क्या होती है? स्पेक्ट्रम इज फॉर्म, एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा जिसमें खास बात ये होती है कि डार्क लाइन सेपरेट कर रही होती हैं ब्राइट बैंड्स को, फॉर्म्ड इन विच, जिसमें, इन विच डार्क लाइन,
डार्क लाइंस सेपरेट, जिसमें डार्क लाइन सेपरेट कर रही होती है डार्क ब्राइट बैंड, ब्राइट बैंड। अच्छा ब्राइट बैंड ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ज़्यादातर हिस्सा जो लाइट का था ना वो गुजर गया है, सिर्फ थोड़ा हिस्सा क्या हुआ जी इस चीज़ ने जज़ब किया है, जहाँ पे जज़ब किया वहाँ पे हमें डार्क डार्क चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई, जहाँ पे जज़ब किया है उतना हिस्सा हमारे पास क्या हो गया डार्क हो गया। ये था जी हमारे पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इसके बाद सेकंड जो टाइप है वो है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या है हमारे पास एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये वाला भी ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। अगर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम थोड़ा सा समझ में ना, यहाँ पर देखें एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है जज़ब करना, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है जज़ब करना। अब यहाँ पे आपके कुछ ना कुछ वेवलेंथ जज़ब हुई थी जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम बना, उसको हमने नाम दे दिया एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इमिशन का मतलब क्या है खारिज करना, इमिशन का मतलब क्या है खारिज करना या फिर खारिज करना या गिव अवे, सही ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं। एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम इनका इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, पहले इसको समझ लें बाद में हम इसके बारे में भी लिखेंगे। अब इसमें क्या काम करना होता है जी, आपके पास जो सैंपल होगा ना अगर तो वो सॉलिड है, ये बात याद रखिएगा, काम वही करना है, ये हमारे पास ग्लास का बना होगा, अगर तो वो सॉलिड है सबसे पहले आपने उसको गैस में चेंज करना है। गैस में आपको पता ही किस तरह कर सकते हैं, सॉलिड को गर्म करेंगे वो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड को गर्म करें वो किस में चेंज हो जाएगा गैस में। अगर तो चीज़ जिसका स्पेक्ट्रम बनाना चाहते हैं वो पहले ही गैस में है फिर तो काम बड़ा ईजी, आप डायरेक्ट गैस को ले इसके अंदर फिल करें स्पेक्ट्रम बना दें सही। अब इसका तरीकाकार क्या है, उसमें तो क्या करते थे हम सामने गैस को रख के ना उसमें से वाइट लाइट को पास करते थे स्पेक्ट्रम बन जाता था। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें आपने काम सिंपल सा करना है कि आपने सैंपल ले लेना है, अगर तो वो सॉलिड है उसको पहले हीट करेंगे, हीट करके किस में चेंज कर लेना गैस में। अब यहाँ प्रोवाइड करना है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को समझिएगा, ये आगे जाकर भी हमने इस वर्ड की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है कि आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाएं, एक इलेक्ट्रोड इस साइड पर लगाएं, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, इसको बैटरी के नेगेटिव से, और इसको ना कुछ लम्हे के लिए कुछ वक्त के लिए हाई वोल्टेज देना है, कितना 20,000 वोल्ट हो 50,000 वोल्ट हो इतना करंट देना है, कितने लम्हे से थोड़े से लम्हे के लिए आपको इस तरह लगेगा इसके अंदर से ना करंट गुजर रहा है, जिस तरह बिजली वो आसमान पर बिजली नहीं गरजती वो भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, वो भी क्या है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, चार्ज आपस में मिलते हैं मिलने की वजह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा होता है। सेम काम यहाँ पे होगा, थोड़े से वक्त के लिए गुजारेंगे ना तो इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपने करंट गुजारा, करंट गुजारने के बाद इस चीज़ को नाम देंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, एटम्स क्या करेंगे एनर्जी को जज़ब कर लेंगे, एटम जो यहाँ पे मौजूद है गैस का एटम मौजूद होगा सही, मैं कहता हूँ ये एनर्जी को जज़ब करके क्या करेगा इनर शेल से आउटर शेल में यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाएगा सही है। और याद रखिएगा अगर इलेक्ट्रॉन इनर शेल से आउटर शेल में मूव करता है तो ये अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है, क्योंकि हमने एक बात कही है कि अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फासला होगा कम वो चीज़ होगी स्टेबल, एनर्जी कम होती है, अगर इसके दरमियान में फासला जाता है बढ़ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में वो अनस्टेबल हो जाता। दुनिया के अंदर हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है, अब दोबारा फिर ये वाली चीज़ स्टेबल होने के लिए क्या करेगा एनर्जी खारिज करेगा, क्या करेगा एनर्जी एमिट करेगा। अब आपने क्या किया था, आपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे के ना काम कर देना ख़त्म, आपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया काम कर दिया ख़त्म, ख़त्म करने के बाद क्या करेगा खुद ब खुद ही एनर्जी खारिज करना शुरू करेगा, ये क्या करेगा एनर्जी एमिट करेगा, कुछ ना कुछ हर एक डायरेक्शन में कर रहा होता है। आपने क्या करना है इस एनर्जी को गुजारना है इंस्ट्रूमेंट में से जिसमें आप स्पेक्ट्रम बनाना चाहते हैं, ये मैंने क्या किया जी इंस्ट्रूमेंट में से एनर्जी गुजार दी। अब इंस्ट्रूमेंट आपका क्या करेगा इसका स्पेक्ट्रम बना के आपको दे देगा, स्पेक्ट्रम अब कुछ इस तरह का बनेगा, स्पेक्ट्रम याद रखिएगा जो अब स्पेक्ट्रम बनेगा ना वो कुछ इस तरह का बनेगा,
अब मैंने एक बात बताई है, अब जो एटम्स होते हैं ना, ये सारी एनर्जी जज्ब नहीं करते, सिर्फ चंद एक वेवलेंथ को जज्ब करते हैं। जो जज्ब किया वही वेवलेंथ को खारिज करेंगे, खारिज करने के बाद आपके पास जहाँ से वेवलेंथ खारिज होगी ना, वहाँ पे एक ब्राइट सी लाइन शो होना शुरू हो जाएगी। इस स्पेक्ट्रम में ना ब्राइट सी लाइन शो होना शुरू हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा। स्पेक्ट्रम होता है इस तरह, अब जो बनेगा ना वो कुछ इस तरह का होगा हमारे पास। मैं इसका थोड़ा सा कंपेरिजन करके ना, इस तरह का स्पेक्ट्रम बनेगा। अब यहां पे क्या खास बात है, इस स्पेक्ट्रम में ना जो बैंड है, जो बैंड है वो किस कलर के हैं, ये जो बैंड है किस कलर के हैं, डार्क हैं। और जो लाइनें हैं ये किस कलर की हैं, लाइनें यहां पे ब्राइट है। यही इसकी डेफिनेशन में हम करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम की। लाइन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन में यही बात करनी है कि द स्पेक्ट्रम इन विच ब्राइट लाइन सेपरेट द डार्क बैंड इज कॉल्ड एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। द स्पेक्ट्रम इन विच, ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें क्या होता है, इन विच ब्राइट लाइन्स सेपरेट द डार्क बैंड्स इज कॉल्ड एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम का नाम दे होते हैं। जी अब ये बना किस तरह है, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या करना है, आपने सबसे पहले सॉलिड होगा तो उसको गैस में चेंज कर लेना है हीट करके। हीट करने के बाद जब वो गैस में चेंज होता है, आपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करना है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बाद क्या करेंगे, एटम्स लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ से एनर्जी जज्ब करेंगे, आउटर शेल में चले जाएंगे। और जब ये दोबारा फिर इनर शेल में आएंगे तो एनर्जी खारिज करेंगे, उस एनर्जी का जो कि खारिज कर रहा है, एमिट कर रहा है, सही है। और इसलिए हमने कहा जी ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम है, इसमें एनर्जी खारिज हो रही होती है, सही है। चलो ये लिखते हैं थोड़ी सी वर्किंग के बारे में एक्सप्लेनेशन। इसमें सबसे पहला काम क्या करना जी, द सॉलिड इज हीटेड, अगर सॉलिड में है वो चीज़, द सॉलिड इज हीटेड, आपने सॉलिड को हीट करना है एंड चेंज इनटू गैस, आपने इसको गैस में चेंज कर लेना है। तो गैस में चेंज करने के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देना है थोड़े से लम्हे के लिए, काफ़ी ज़्यादा करंट देना है जिसकी वजह एनर्जी जज्ब करेगा। तो ये प्रोवाइड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब आपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देना है जिसमें क्या होगा, इन विच जिसमें ये वाला काम होगा, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लोअर शेल से या लोअर ऑर्बिट से एनर्जी जज्ब करेंगे और हायर ऑर्बिट में चले जाएंगे। इन विच इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोअर शेल्स एब्जॉर्ब एनर्जी, ये एनर्जी को जज्ब करेंगे एंड गोज इन हायर शेल, ये ऊपर वाले शेल में चले जाएंगे हायर शेल। अब अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेंगे, यही इलेक्ट्रॉन दोबारा एनर्जी खारिज करेंगे, सही। यही बात यहाँ पे थोड़ी सी और लिख लेते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन, यही वाले इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी एंड मूव इनटू लोअर शेल, ये दोबारा फिर किस में चले जाएंगे, दोबारा फिर नीचे वाले शेल में चलेंगे एंड एमिट एनर्जी एंड मूव इनटू लोअर शेल एंड द स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड एंड द स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड। अब स्पेक्ट्रम हम बना देंगे किस एनर्जी का, जो कि इसने खारिज की है, इस चीज का हम स्पेक्ट्रम, द स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड बाय द एनर्जी।
अब इसमें क्या होगा, एनर्जी इन विच डार्क ब्राइट लाइन्स आर फॉर्म्ड, ब्राइट लाइन्स आर फॉर्म्ड, लाइन्स आर फॉर्म्ड, ब्राइट लाइन्स बन जाती हैं ऑन बैक ऑन डार्क बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड। अब जो चीज़ मैं एक लास्ट में आपकी बुक वाला काम कर रहा है, दो चीज़ों का कंपैरिजन करवा रहा है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम का और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। असल बात ये चीज़ यह जहन में रखिएगा, हमने ना ये जो स्पेक्ट्रम बनाया ना, ये सेम सब्सटेंस का यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम चीज़ का बनाया है। हाइड्रोजन गैस समझ लें, सोडियम मेटल समझ लें, जो मर्जी समझ लें, सेम चीज़ हमने ली है, उसी का स्पेक्ट्रम बनाया। अब काम क्या किया, आपकी बुक वाला कह रहा है कि इन दोनों स्पेक्ट्रम का आपस में कंपैरिजन करवाओ। मैं यहाँ पर कंपैरिजन करवाने लगा इस स्पेक्ट्रम के, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बनाने लगा क्योंकि मैंने यहाँ पर कंपैरिजन करवाना है इन दोनों स्पेक्ट्रम में क्या काम हो रहा है। कहता आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है। कहता जो लाइनें बन रही है ना, बेशक वो ब्लैक है या डार्क है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, यहां पे जो वेवलेंथ है एब्जॉर्ब हुई है यहां से वही वेवलेंथ एमिट हो रही है। चेक कर रहे हैं, यहां पे जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई थी यहां पे वही वेवलेंथ क्या हो रही है, एमिट हो रही है। ये दोनों में डिफरेंस, ये मेन चीज है। यही बात आपकी बुक वाला कह रहा है कि अगर हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देखा जाए तो इनमें दो चीजें कॉमन है, सही है। यहां पे एक क्या कॉमन है जी, जहां पे ब्राइट वहां पे डार्क, डिफरेंस कह सकते हैं, जहां ब्राइट है यहां पे डार्क आ रहा है बैंड्स, और लाइनों का लिहाज से अगर देखा जाए तो जहां पे डार्क लाइन है वहां पे ब्राइट लाइनें आ रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जहां पे जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है, सही है, जहां एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में, सेम वेवलेंथ एमिट हो रही है, सेम वेवलेंथ एमिट हो रही है। यही बात हमने इस लास्ट में लिखनी है, यहां पर लिख लेते हैं, ये लास्ट में आएगा, याद रखिएगा इसको। इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अगर देखा जाए, द वेवलेंथ Which is absorbed, ऐसी वेवलेंथ जो कि absorbed हुई थी जिसकी वजह से ये डार्क डार्क लाइनें आई थी, वही वेवलेंथ यहाँ पर एमिट हो रही हैं, इज absorbed एंड सेम वेवलेंथ्स आर एमिट। यही सेम वेवलेंथ एमिट हो रही होती हैं इन किस में, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम है, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। ये था जी हमारे पास लाइन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम जो कि टाइप्स हैं लाइन स्पेक्ट्रम की। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कल को। अल्लाह हाफिज़।